ये से करने लगे जी। बात करें अगर एग्री कम्युनिटीज की, तो एग्री कम्युनिटीज में आज बिनौल खल कपास खली में आपको क्या लगता है? फंडामेंटल्स तो मजबूती वाले हैं, लेकिन तब भी देख रहे हैं बिनौला खल तेजी की ओर नहीं जा पा रहा है, तो ऐसे में अब बिनौला खल में क्या करके चला जाए और कैसा बाजार रहेगा? देखिए, बिनौला खल कपास खली के अंदर हमने आपको पहले भी ये अपडेट दिया था कि कपास खली का कोई सब्स्टिट्यूट, चाहे हम सरसों खली या मूंगफली खली या बाकी ऑयल सीड्स की खली मान लें, लेकिन बिनौला खली का कोई भी सब्स्टिट्यूट वास्तव में होता नहीं है, क्योंकि पशु कपास खली को जितना चाव से खाते हैं, जितना उसको पसंद करके खाते हैं, वो बाकी दूसरी खलियों में ऐसा होता नहीं है। तो और गौरतलब है कि कपास खली के अंदर जब तक बहुत ज्यादा दाम ना हो, जब तक किसान और या पशुपालक भी, डेयरी फार्मिंग वाले भी ये कपास खली को ही लेना पसंद करते हैं। अब ये विशेष ये ध्यान देने वाली बात ये है कि कपास खली के हाजिर के बाजारों के अंदर भाव गिरे नहीं है, जबकि एनसीडीएक्स पे लगातार कपास खली के भाव में उतार चढ़ाव चल रहा है। आपको याद होगा कि पिछले लगभग तीन से चार दिन पहले जब कपास खली में बड़ी गिरावट आई थी, तीन चार दिन, और काफी अफरा तफरी का माहौल था, आपने यही सवाल पूछा था, उस वक्त भी हमने दर्शकों को यही कहा था कि देखिए फंडामेंटल को समझें, व्यापार की स्थिति को समझें और जो वास्तव में ग्राउंड रियलिटी है उसको समझें, उसके आधार पर आप व्यापार करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता आपको अधिक मिलने की संभावना रहेगी। और यदि आप खाली तेजी मंदी को ध्यान में रख के अपनी क्षमताओं से ज्यादा काम करेंगे, लगातार यदि आपकी ताकत की है 20 टन का काम करेंगे, 500 टन, 400 टन, 200 टन, तो देखिए जब आप बड़ा कम पूंजी लगा के बहुत बड़ा मुनाफा कमाने की सोचते हैं तो कभी कभी आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः कपास खली के अंदर मुझे कोई मंदी, पहले भी मैंने यही कहा था कि मुझे मंदी नजर नहीं आ रही है। और ये भी गौरतलब है कि अप्रैल महीने के अंदर और मई के फर्स्ट वीक के अंदर कॉटन के जो भाव हैं कपास के, वो आसमान छू रहे हैं, और भारत सरकार ने भी कॉटन के निर्यात के ऊपर भी रोक लगाने की बात कही है, इंपोर्ट करने की बात कही है। उसको सबको देखते हुए कॉटन में जब तेजी है तो निश्चित रूप से बिनौला बहुत तेजी से गिरने की संभावना कम है, और जब बिनौला नहीं गिरेगा तो कपास खली में कैसी गिरावट आएगी, ये मेरी समझ के बाहर है। तो मुझे लगता है कि आज कपास खली के अंदर तेजी रहनी चाहिए और इसके अंदर हैरान परेशान घबराने की आवश्यकता संभवतः नहीं है। जी अखिलेश जी। जी कनेरी जी।